कायनात में जिंदगी का वजूद पानी से है। यूं तो हमारे सैयारे जमीन का दो तिहाई हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें मीठा पानी इस मकदार में नहीं जो सबकी जरूरियात पूरी कर सके। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ताजा है और आलमी सतह पर मीठे पानी की किल्लत संगीन मसला है। अफ्रीकी मुल्क लीबिया ने मीठे पानी की किल्लत के संगीन मसले का ऐसा अनोखा हल निकाला जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। अजीम इंसानी साख्ता दरिया के नाम से मशहूर ये प्रोजेक्ट दुनिया के 8 अजूबों में से एक है। ये मंसूबा कैसे वजूद में आया, किसने इसे पाए तकमील तक पहुंचाया, ये कैसे काम करता है, ये सब हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, लीबिया में 1300 कुओं पर मुश्तमिल एक जाल है जिनमें से अक्सर कुएं 500 मीटर से ज्यादा गहरे हैं। इनके जरिए साफ मीठा पानी मुल्क भर के शहरों को सैराब करता है। ये जेर जमीन पाइपलाइनों और आबी जखीरों का ऐसा वसी नेटवर्क है जो सहारा में गहरे कदीम जेर जमीन आबी जखायर से लीबिया के साहिल तक घरेलू इस्तेमाल, जरात और सनत के लिए आला मियार का ताज़ा पानी पहुँचाता है। लीबिया के हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफी की ये मुतासिर कुन तख्लीक इंसानों के बनाए हुए दरिया के नाम से मशहूर है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ, इसके लिए थोड़ा तारीख का जायजा लेते हैं। नाजरीन, लीबिया का 90% हिस्सा सहरा से ढका हुआ है और वहाँ बारिश बहुत कम होती है। कुछ खितों में तो 5 से 10 साल तक एक बूंद नहीं बरसती। इसके अलावा हवा का ज्यादा दर्जा हरारत पानी को बहुत तेजी से बुखारात बना देता है और यूं पानी की किल्लत का मसला संगीन तर होता चला गया। वक्त गुजरता रहा और मसले का कोई हल ना निकल सका और फिर कुदरत ने रहम खाया और अजीम तरीन नेमत इनकी झोली में डाल दी। नाजरीन, ये बात है 1953 की, जब लीबिया के लोग सहारा में तेल की तलाश कर रहे थे, लेकिन इसकी बजाय उन्हें इससे भी ज्यादा कीमती चीज मिल गई। तलाश के दौरान जेर जमीन पीने के काबिल पानी का बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ जिसने लीबिया की किस्मत बदल दी। ये दरियाफ्त न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर सिस्टम का हिस्सा थी जो कि फॉसिल वाटर का एक वसी जखीरा है। इस दरियाफ्त के बाद लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफी ने बड़ा मंसूबा शुरू किया जिसका मकसद पानी को जमीन से निकालकर पाइपों के जरिए मुल्क के शिमाली शहरों में तकसीम करना था और इस मंसूबे की कुल लागत का तखमीना 25 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा था। लीबिया की हुकूमत ने सहरा में जहां पानी मौजूद था बड़े पैमाने पर ज़रई तंसीबात का मंसूबा बनाया, लेकिन 1980 की दहाई में मंसूबा तब्दील करके साहिल तक पाइपलाइनों के बड़े जाल के लिए डिजाइन तैयार किए गए। इंसानी साख्ता दरिया कहलाने वाले इस नेटवर्क के जरिए जमीन से हासिल करदा ताज़ा पानी त्राबुलस और बेनगाज़ी समेत दीगर शहरों तक पहुँचाया जाता है। पाइपों के इस जाल के जरिए पानी 1600 किलोमीटर तक फासला तय करता है और लीबिया में इस्तेमाल होने वाले मीठे पानी की 70% जरूरियात पूरी करता है। इसे आलमी सतह पर आबपाशी का सबसे बड़ा मंसूबा होने का एजाज भी हासिल है। इस नेटवर्क ने लीबिया के शिमाल में आबादी वाले शहरों और काश्तकारी के इलाकों को आबपाशी और पीने का पानी फराहम किया जो पहले डिसलिनेशन प्लांट्स पर इन्हिसार करते थे। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि जेर जमीन दरियाफ्त शुदा पानी का ये जखीरा इतना बड़ा है कि अगर हर साल 360,000 क्यूबिक मील पानी इस जखीरे से निकाला जाता रहे तब भी ये जखायर हजारों साल तक पानी की फराहमी जारी रख सकते हैं। नाजरीन, अनथक मेहनत और जहानत से लीबिया के लोग बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके थे और पानी के इस जखीरे से वो हजारों हेक्टर एराजी को सैराब कर सकते थे जिससे इलाके की शक्ल बदल जाती, मगर ऐसा ना हो सका और 2011 में खाना जंगी की वजह से मंसूबे को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। जुलाई 2011 में लीबिया की पहली खाना जंगी के दौरान मंसूबे के लिए पाइप बनाने वाले दो प्लांट्स में से एक नेटो के फजाई हमले की जद में आकर तबाह हो गया। बात यहीं तक नहीं रुकी, इसके बाद 2014 से 2020 तक जारी रहने वाली खाना जंगी के दौरान पानी के इस अजीमशान मंसूबे को शदीद नुकसान पहुँचा। अब सूरत हाल ये है कि वसाइल की कमी और मसल्ला हमलों की वजह से इस अजीम मंसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है और इंसानों का बनाया हुआ अजीम दरिया बतदरीज अपनी अजमत खो रहा है। नाजरीन, अगर ये मंसूबा बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो जाता तो शिमाली अफ्रीका एक पुरअमन जगह बन सकता था। लीबिया अपने मंसूबे के साथ सब्ज इनकलाब का आगाज कर सकता था और इससे अफ्रीका में खुराक के बहुत से मसाइल हल हो जाते, मगर मगरबी ममालिक की शरपसंदी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया और यूं इस खित्ते में इस्तेहकाम और माशी खुशहाली का ख्वाब अधूरा रह गया है जो शायद कभी पूरा ना हो सकेगा।
नाजरीन उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मजीद किसी मालूमाती मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।